हेलो फ्रेंड, आज हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं रिलायंस पावर शेयर का टेक्निकल एनालिसिस। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं स्टॉक में बैक टू बैक रेड कैंडल बनते हुए हमें दिखाई दिए। स्टॉक में लगातार गिरावट यहाँ पर हो रही है, कब तक ये गिरावट जारी रह सकती है इस पर हम करने वाले हैं चर्चा। तो फ्रेंड यहाँ पर आप देखिएगा, आपके सामने यहाँ पर जो चार्ट प्रेजेंट किया गया है यह डे कैंडलस्टिक पैटर्न चार्ट, यहाँ पर एक कैंडल एक दिन को रिप्रेजेंट करते हुए आपको शो कर रही है। 19 रुपये के आसपास स्टॉक ऊपर आता है और यहाँ से आप देखेंगे स्टॉक में आपको स्लो मूव करते हुए तेजी दिखाई देती है, कहाँ तक लगभग 23 रुपए के आसपास। फिर से स्टॉक में होती है गिरावट, एक बार फिर स्टॉक 25 रुपए तक गया, फिर नीचे की तरफ डाउनफॉल आता है लगभग 20 के आसपास, फिर से स्टॉक में आती है तेजी और ये तेजी स्टॉक को 33 रुपए तक के हाई पे लेकर के जाती है। यहां से स्टॉक में फिर से एक बड़ी गिरावट हमें देखने को मिलती है जो कि स्टॉक को 19 रुपए तक गिरा देती है। फिर से यहां पर हमने देखा स्टॉक में अच्छी तेजी हमें देखने को मिली और स्टॉक धीरे धीरे मूव करते हुए स्टॉक ऊपर की तरफ जाता है 33 प्लस पे। लेकिन यहां पर हमने देखा जैसे कि पहले यहां से गिरावट हुई थी, ये देखिए यहाँ पर पहले भी रिजेक्शन था, इसी तरह हमें यहाँ पर फिर से रिजेक्शन देखने को मिल रहा है और यहाँ पर हम देखते हैं फिर से गिरावट करते हुए स्टॉक नीचे कहाँ तक आ गया है, लगभग 27 रुपये के आसपास। यदि यहाँ से स्टॉक में गिरावट होती है तो आपको स्टॉक की गिरावट कहाँ तक दिखाई देगी, लगभग 25 रुपये के आसपास आपको स्टॉक गिरता हुआ दिखाई दे सकता है। क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे इसके पहले की अगर बात करें तो 25 रुपये के आसपास आपको कुछ रिवर्सल देखने को मिले थे। ये देखिएगा इस लाइन को अगर गौर करेंगे तो यहाँ हमको सपोर्ट देखने को मिले थे, तो यहाँ तक तो आपको गिरावट देखने को मिल सकती है। लेकिन यदि इस लेवल को भी तोड़ता है नीचे की तरफ तब आपको डेफिनेटली स्टॉक एक बार फिर से 19 रुपये के आसपास तक गिरता हुआ दिखाई दे सकता है। तभी मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि फिलहाल आपको यहाँ पर कोई भी बाइंग नहीं करनी चाहिए। यदि आपकी पोजिशन में कुछ भी प्रॉफिट उसे बुक कर सकते हैं, नहीं तो गिरावट जब होगी स्टॉक आपको नीचे की तरफ गिरता हुआ दिखाई देगा 19 रुपये के आसपास तक।